हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक्निकल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस पैथन क्लासेज में। पैथन के अंदर हम बात करेंगे आज टाइम डेल्टा के ऊपर। जी हाँ, टाइम डेल्टा के ऊपर बात करेंगे। वीएस कोड में हम कोडिंग कर रहे हैं। चलिए वीएस कोड को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी पाई फाइल यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे हम टाइम डेल्टा का यूज करेंगे। टाइम डेल्टा क्या करता है? तो टाइम डेल्टा एक ऐसा मॉड्यूल है जो डिफरेंट निकालता है, ड्यूरेशन निकालता है। फाइंड द ड्यूरेशन बिटवीन टू डेट्स, टू टाइम। तो टाइम डेल्टा का यूज हम करते हैं डेट में ऐड करने या डेट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। सबसे पहले मुझे लिखना होगा कि फ्रॉम डेट एंड टाइम इम्पोर्ट डेट एंड टाइम कॉमा टाइम डेल्टा, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। अब यहां पे हमारा डेट वाला पहला डेट जो है उसको लिखेंगे। तो यहां पे हम डीटी जो डेट है, आज का डेट है, तो आज के डेट में हमने डेट एंड टाइम के अंदर डाल देते हैं, जो कि है 2023 12वां महीना और 1 तारीख का, 1 दिसंबर है, 1 तारीख हो गई। मुझे कितने डेज ऐड करने हैं? तो मुझे 5 डेज ऐड करने हैं। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एनडीटी न्यू डेट इक्वल टू, अब इसमें हम जो डेट हमारा है जो कि डीटी है, डीटी प्लस टाइम डेल्टा, और इस टाइम डेल्टा के अंदर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, डेज, डेज इक्वल टू डी। अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट इक्वल टू, माफ कीजिएगा, वीवीए प्रोग्रामिंग का हालत है, एनडीटी और रन कीजिए, तो आपको 5 दिन बाद का डेट आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम माइनस करना है तो प्लस की जगह पे हम यहां पे माइनस करेंगे तो आपको माइनस करके दिखा देंगे। कोई भी डेट प्लस या माइनस करने के लिए इस्तेमाल आप टाइम डेल्टा को कर सकते हैं, डे प्लस करने में। अब ईयर प्लस करना हो तो डायरेक्टली ईयर यहां पे आप प्लस कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है ईयर में, बट हम डायरेक्टली मंथ प्लस नहीं कर सकते। जैसे एक्सेल के अंदर में मंथ को ऐड करने के लिए हमारे पास ई डेट नाम का फॉर्मूला था, बट यहां पे आप मंथ नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली जैसे मान लीजिए कि मैं अगर अलग अलग वेरिएबल ले रखा था तो अगर इसमें प्लस कर देते तो 12 से ज्यादा हो जाता, तो ईयर में ऐड होता तो प्रॉब्लम होती। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम अगर 15 महीना डाल देते हैं तो आपका एरर आएगा, यहां देखिए कि मंथ मस्ट बी इन 1 to 12। एक्सेल में क्या था कि 15 डाल दिया तो वो ईयर में 2024 कर देता और यहां पे 3 महीना कर देता, बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। कैसे करें? तो हम टाइम डेल्टा से ऐड नहीं करेंगे, मुझे रिलेटिव टाइम डेल्टा को करने पड़ेंगे इसके अंदर इंपोर्ट। जी हाँ, रिलेटिव टाइम डेल्टा। दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझाता हूं। इस कोड को पहले नोट पैड में डाल देता हूं ताकि मैं आपको दे सकूं। इसमें मुझे यहां पे ऊपर करना पड़ेगा कि फ्रॉम डेट
UTIL, सॉरी UTIL, डेट UTIL डॉट, इसमें देना है रिलेटिव, रिलेटिव डेल्टा इंपोर्ट, रिलेटिव डेल्टा अगर ऐसा ना आ रहा हो तो आपको पिप करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल पायथन डेट UTIL यूटी, बट यहां है और बाय डिफॉल्ट है इसमें, तो डरने की जरूरत नहीं। अब मेरे पास डेट है और यहां पे मैं मंथ ऐड करना चाहता हूं, किसपे, एनडीटी पे, तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए यहां पे लिखेंगे रिलेटिव टाइम डेल्टा और इसके अंदर में हम देंगे मंथ, मंथ और मंथ में हमारा 5 मंथ ऐड करना है तो हमने 5 दे दिए। तो इस तरह से आपको, एक मिनट, इसमें डीटी तो लिखा ही नहीं, डीटी प्लस, अब इसको एक बार रन करते हैं, क्या देख, 5 महीने, 5वां महीना आ गया, 5 महीने का डेटा आ गया। तो मंथ जो है, डेट ऐड करना हो तो टाइम डेल्टा डायरेक्ट यूज कर ले, अगर आपको मंथ ऐड करना हो या मंथ को माइनस करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव टाइम डेल्टा, इसका यूज आप कर सकते हैं मंथ को ऐड करने या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं दो डेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकाले, दो डेट के बीच का डिफरेंस, क्या हम डायरेक्ट माइनस कर दें तो उससे डिफरेंस निकल जाए, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों का आप माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आपका निकल जाए। मगर दो डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज है मुझे निकालना है, इसके लिए आपको टाइम डेल्टा वगैरह की यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट माइनस कर दीजिए, इसको कॉपी कर हटा दिया। जैसे हमने बोला कि डेट वन इक्वल टू डेट या टाइम, डेट टाइम के अंदर में हमने यहां पे डाल दिया, मान लीजिए 1 तारीख के डेट 2023 पहला महीना और पहला तारीख, और डेट टू जो कि आज है तो उसकी जगह पे हम दे देते हैं डेट डॉट टूडे, डेटेड टूडे लेना चाहिए था ना, इम्पोर्ट यहां पे कॉमा स्टार, इम्पोर्ट स्टार करना पड़ेगा, डेट इम्पोर्ट नहीं हुआ अब आज टूडे। अब मुझे यहां पे डेट चाहिए तो डी इक्वल टू लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। अब यहां पे हम अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट के अंदर में डी देते हैं तो नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस आना चाहिए, डी टू माइनस इवन, यहां पे डेट एंड टाइम डॉट नाउ करते हैं तो डिफरेंस है 334 डेज और इतने घंटे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर डेट एंड टाइम दिया हुआ था, इसलिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमने भले ही टाइम नहीं डाला है
पर टाइम तो ले लिया ना, इसलिए पहले कोड में एरर आया। अब इसी को अगर मैं डेट कर दूं कि भाई डेट है और यहाँ पे नाउ के जगह पे मैं टुडे कर दूं, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं डॉट लाइक इट ओपन क्लोज। अब इसको मैं रन करूं, ये देख आगे कर सकते हैं। तो दो डेट के बीच का डिफरेंस आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस की बात आती है, तो डिफरेंस में आप इसको जो है एज निकालने की बात कर सकते हैं कि दो डेट के बीच का एज कैसे निकालेंगे। चलिए तो लास्ट प्रोग्राम हम एज के बारे में डिस्कस करते हैं, एज कैसे निकालेंगे। इस कोड को हटाते हैं, ये ऊपर जो फ्रॉम डेट एंड टाइम जो है यहां पे लिखते हैं। अब यहां पे करेंट डेट निकालते हैं टुडे, तो टी डी इक्वल टू हमने यहां पे दे दिया डेट एंड टाइम डॉट टूडे, तो आज की डेट ये निकल के आ गई। अब मुझे अपना बर्थ डेट निकालना होगा, तो बर्थ डेट मतलब कि बीडी, बीडी में मान लीजिए जो यहाँ पे बर्थ डेट है तो भी हम डेट एंड टाइम में डाल देते हैं। डेट एंड टाइम के अंदर में बर्थ डेट डाल दिया कि 1990 दसवां महीना और दसवां तारीख। मुझे यहां एज निकालना, एज इक्वल टू, अब एज इक्वल टू तो यहां पे लिखते हैं टी डी डॉट ईयर माइनस बी डी मतलब कि बर्थ डेट डॉट ईयर देन माइनस इन द ब्रैकेट टुडे टी टूडे नहीं टी डी डॉट मंथ कॉमा टी डी डॉट डेज डे सॉरी, और यहां पे लेस देन का सिंबल हमने दिया, और अगेन ब्रैकेट लगाया और इस ब्रैकेट में लिया, और यहां पे एक ही ब्रैकेट आना है, हाँ ब्रैकेट दिया बी डी डॉट मंथ बी डी डॉट कॉमा इसमें मंथ कॉमा बी डी डॉट डे ब्रैकेट क्लोज अगर ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे हम प्रिंट प्रिंट में हम यहां करते हैं एज, देखते हैं क्या कोई एरर तो नहीं आना चाहिए। 33 ईयर तो 33 साल का डेट आ गया। तो अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि दो डेट के बीच में डिफरेंस जैसे डेटेड इफ एक्सेल में होता है उस तरह से कैसे निकालें। तो प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। Recording stopped.